हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। आज आपको बताइए आज क्या है, रक्षाबंधन है और मेरी ननंद मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत जल्दी आ चुकी हैं। बोल दिया भाई से, भाई जल्दी आ जाना और 4 बजे नहा लेना। और मेरा भाई इनका भाई चार बजे नहा लेते हैं। लेकिन नहाते क्या है, बस पूछ ही ना, नहाते नहीं हैं। लेकिन बट जैसे ही 5:30 बजे दीदी आती हैं तो गेट खटखटाती हैं, तो बोलते हैं मम्मी बोलती हैं कि देख ललिता आ गई है ना, और अभी तक तू नहाया नहीं है। अब जल्दी उठते हैं, फटाफट नहाने के लिए जाते हैं। मैं अभी 2 मिनट में नहाया, फिर नहाने के लिए जाते हैं। फिर दीदी राखी की तैयारी करती हैं, फिर वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ राखी बंधवा रहे हैं वो, और बोलते हैं मुझे जो भी कपड़े हैं वो दे दो। मैंने उन्हें कपड़े दे दिए और यहाँ पर बैठ के राखी बंधवा रहे हैं। अब बेटू इतनी देर में, बेटू नहाने के लिए जाता है, बोल रहा है बुआ जी जब तक आप पापा जी की बांधी इतनी देर में मैं नहा के आता हूँ। लेकिन मैं नहीं नहा पाती हूँ जब तक, मैं कोई बात नहीं, आपके भाई की नाली और आपका बतिया नाली बहुत अच्छी बात है। और देखो राखी है, बड़ी सुंदर है राखी, देखिए कितनी सुंदर राखी है, दिखाई दे रही है ना आपको। भाई बहन की राखी है ना, बहन तो भाई के लिए वैसे भी अच्छी वाली राखी खरीदती है स्पेशल, कि नहीं। कितनी सुंदर लग रही है हैंड में, देखो। और देखिए बिल्कुल पास में आके देखिए राखी को, दिखाई दे रही है आपको। ये है भाई का रक्षाबंधन, भाई बहन का रक्षाबंधन, ये होता है प्यार भाई बहन का, ठीक है ना। कितना अच्छा लग रहा है। और ये साल भर में एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आता ही, आपको मालूम ही है। और अच्छी तरह से खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। और बताइए ये आप लोगों के यहाँ रक्षाबंधन सुबह सुबह हुआ या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो दीदी आ गई थी, क्योंकि बोल रहे थे 2 मुहूर्त थे, ये बच्चा आ गया, बोल रहा है आपने मामा जी की ये वाली राखी क्यों बांधी, इसे तो मैं बांधूंगा अब मैं सिर्फ टकला बोल रही हूँ उनको, क्योंकि बालों की कटिंग करवा के लेके आए हैं वो, और यहाँ उन्हें घेवर खिलाने की तैयारी हो रही है। और ये इनका बच्चा है, बोल रहा है मामा मुझे ये वाली राखी दीजिए। अब देखो ये घेवर खिलाया जा रहा है, स्लो मोशन में है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप देखो ये मुंह को फाड़ने वाले हैं अब लोग, अब एक फ़ोटो खींच लेना इसके बाद दिखाई देखिए ना। अब देखो भतीजे की राखी बांधने की स्टार्ट हो गया है, वो नहा के आ गया है। मैंने बोला बुआ जी को पैसे दे देना, बोल रहा था अरे बुआ जी को मैं पैसे क्यों दूंगा, अरे मैंने कहा बेटा देना बुआ जी का वो होता है। तो देखो आपके इसके पास में 50 का नोट रखा हुआ है और राखी बंधवा रहा है। देखो देखो तिलक कर दिया बुआ जी ने पहले, बहुत जल्दी तैयार होके आया है। अब देखो देखो घेवर खा रहा है, देखो बुआ जी मुझे भी घेवर खा रहा है। अब मेरा नंबर आ गया है, देखो अब क्या करूँ, हाथ में लेके अपने आप शूट करना पड़ा है। देखो ये मेरी राखी है और ये मुझे खिला रही है, लेकिन मेरा फास्ट है, मैंने मना कर दिया दीदी आज मैं नहीं खाऊँगी, आज मेरा फास्ट है। और मेरे हाथ पे ना मेरे हस्बैंड कुछ बोलते हैं, कुछ लग रहा था नोज पे, तो क्या था बिंदी थी, सोते समय ना बिंदी आ गई थी, तो ऐसा होता है। और देखो ये पैर छू रहा है बुआ जी के अपने के, आशीर्वाद मिल रहा है भतीजे को भाई, ये भाई ने पैसे दिए हैं और आपको पता ही चल गया होगा कितने हैं। ओ नहीं होगा बुआ जी मुझे और घेवर दिए, घेवर खा लिया, खा के भाग भी गया। तो ये होता है भाई बहन का त्यौहार, मनाते रहो अच्छी तरह से खुशी से, कि नहीं, सबको मनाना चाहिए अच्छी तरह से भाई बहन का त्यौहार। हम दो ना भाई है तो बांधे बांधे, लेकिन सभी लोगों के घर बांधते हैं। और देखो ये मेरा भाई है, बड़ा वाला बहुत ही भाई, मैं इनको तिलक करके और ये खिला रही हूँ, राखी मैंने बांधी दी है भैया। अभी कमाई ना भाई, लाला अभी आए, चार वर्ष, लेकिन क्योंकि
बड़े से स्टार्ट होते हैं ना, जब ये तो छोटे पे फिलक होगा आप लोग, तेरी तो वीडियो बनेगा हमारी बनेगा हो गया दीदी, कोई बात ना है, कोई बात ना है, काम ही बन जाए, एक ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं मिठाई के लिए पैसे अपना लाया था, दुनिया कहाँ है, एक बात दुनिया डोल रही है, खिला देती हूँ 100-200 ना लाला, बहुत आएंगे अभी क्या एक लाख तो जरूर लिया आवेगी, नहीं था ये यूजन के हाँ पहली पहली अरे कछु आ गए सही शुरुआत तो हो जाएगी अरे ना बैग सिलवा लो मैंने तो वही थे हाँ ना हमें खुश सिलना पड़ेगा मोबाइल भी दिल्ली और का मैं तो बहुत खुश थी, मैंने कि चलो कोई बात नहीं और अच्छा है, कहते हैं ना चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो बहुत अच्छा लगता है, अपने जब मायके में होते हैं तो ये लगता है कि चलो हमारे भाई तरक्की कर रहा है, ससुराल में होते तो लगता है कि हमारे हस्बैंड तरक्की कर रहे हैं, है ना, यहाँ बहुत जोक्स चल रहे हैं, कोई नहीं जोक तो चलते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोग होते हैं तो। और मेरी दीदी बोल रही थी कि आप बहुत अच्छी लग रही, अच्छा आपको अच्छी लग रही है तो बताना कैसी लग रही है, मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ ना, वो अभी यहाँ से दावत खा के गए थे तो वो खाएंगे अभी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाना, खाना मेरा पेट भरा है, मैं चलो तो कोई बात नहीं हम थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, और मेरा तो वैसे ही फोन वहाँ का ऑर्डर था, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, दीदी के दोनों बच्चे हैं और ये बाहर बेटियाँ हैं, मतलब भैया के बच्चे हैं, वीडियो शूट कर दूँगी बाद में अपलोड कर दूँगी ना, आपको बताइए चेहरे पर एक तिल है दिखाई दे रहा है, ये होता है बहनों की पहचान, देख लो कर रहा है मेरा छोटा वाला नंगू राखी बंधवाने में बहुत रो रहा था, इनका मैं नहीं बंधवा रहा हूँ, मैं नहीं बंधवा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके बहुत ज़बरदस्ती बांध दी थी, मैंने कहा हाथ सुना नहीं रहना चाहिए, ये मेरी भतीजियाँ हैं और हम दोनों वहाँ पे बस बहुत मस्ती कर रहे थे, मैंने कि पता नहीं है कितनी देर बाद वह दीदी भी अपनी वीडियो शूट कर रही है, तो देख लो वीडियो शूट हो रही है, तो हमारे साथ बोला अरे भाई यूट्यूबर हैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मैंने कि बिल्कुल हैं ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बताइए ये देखो कितना मौज मस्ती हो रही है हम सब लोगों की, अब हम किचन में पहुँच गए हैं, देखो किचन का लुक आपको कैसा लग रहा है भाई का, बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंद आया, देखो हेलो हो रही है, और ये मेरे दोनों भाई हैं, तो अभी हम उस वाले रूम में जाने वाले हैं, अब देखो यहाँ सारी फैमिली आ गई है, हम सारे इकट्ठे हो गए, हमने बोले सारे एक फ़ोटोशूट किया, हम वीडियो भी बना लेते हैं, सारे लोग आ जाएंगे, और ये लाइट जला रहा है मेरा भाई, बोल रहा है यदि आपको वीडियो बनानी है तो मैं सारी लाइट जला देता हूँ, बनाओ अच्छी तरह से ना, और ये मेरी मम्मी है, ये बड़े वाले भाई हैं, और देखो ये रूम है मेरे भाई का, देखो कैसा लग रहा है ज़रा बताना आप, बहुत अच्छा लगता है, देखो ये ऊपर को छत जो होती है ना तो इस पर ना क्या करवाया है मैं तो जानती नहीं हूँ, कुछ करवाया है ना फॉल्सिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोला, लाइट जला के ना एकदम इतना मस्त लगता है, चाय भाई मिलेगी ना मिलेगी, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये किराएदार का बच्चा है, यहाँ सेकेंड फ्लोर पर मतलब किराएदार रहते हैं,
और आपको कैसा लग रहा है। ये किचन है, बिल्कुल बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छी लगी है किचन। ये बाथरूम है, इसकी बाथरूम भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट है, बिल्कुल एक तरह से बहुत सुंदर लग रही है। आपने देख लिया कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं ना माँ बाप तरक्की, माँ बाप ने तो क्या किया, लेकिन बच्चे ऐसे हो गए जो उन्होंने देखा। अब मैंने ना अपनी अपना मोबाइल अपनी भतीजी को पकड़ा दिया, मैंने कहा चल मेरा पूरा वीडियो शूट कर, तो वो पूरा वीडियो शूट करती है। देखो बड़ी वाली भतीजी आ गई मेरे पास में, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ये मेरी दीदी बना रही है, अब देखो आपने कभी देखा नहीं होगा पूरी तरह से, देखो आपने देख लिया। ये मेरा भैया है, और ये मेरी साड़ी मैंने तैयार की थी रक्षाबंधन के लिए स्पेशली। ये छोटी वाली होती है, ये मेरी बेटी के साथ की होती है, हम दोनों फोटो शूट कर रहे हैं। और ये मेरी भतीजी ने मोबाइल को लेके ना इधर उधर घूम रही है, वीडियो शूट करके लेके आ रही है। बाहर निकलने का गेट है, बाहर निकल के जाएगी। ये स्कूटी खड़ी है, ये बड़ा छोटा वाला भाई ही है। और देखिए ये बाहर निकल गई है गेट से, देखो कहाँ कहाँ का वीडियो शूट करके लेके आई है। ये हमारी अम्मा भागती भागती आ रही, दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये भतीजी के हाथ में लग रहा है मोबाइल, बोल रहा था बुआ जी मुझे दे दो, मैं सारी वीडियो शूट करके लेके आती हूँ बाहर तक। ये बाहर से ली गई है लड़की। ये हमारी माताजी आ रही हैं वहाँ से, कुछ भूल गई हैं तो वो लौट के आई हैं। भतीजी पूछ रही है माँ आप क्यों लौट के आ रही हो। ये फ्रंट गेट है भाई का, ये हम अंदर आ गए हमारा, ये अंदर मेन गेट है अंदर के ले जाने के लिए। देखिए कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप बताना। हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है, देखो यहाँ पे ये सारी साड़ू साड़ू दोनों बैठे हुए हैं। ये छोटा वाला दीदी का बेटा है, ये हम हैं, आपको दिखाई दे रहा है।